आई एम डॉक्टर तारिफ़ अरमान एंड आई एम हेड ऑफ़ दार्डियोलॉजी यूनिट एट डाओ इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डाओ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज डाओ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस ओझा कैंपस हर साल हम वर्ल्ड हार्ट डे सेब्रेट करते हैं और पूरी दुनिया में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है उनतीस सितम्बर को और हर साल इसकी मुख्तलि थीम होती है लेकिन उस थीम का बुनियादी मकसद यही होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर परहेज जो है वह इलाज से बेहतर है इसलिए कि जो दिल की बीमारियां हैं वो एक वबाई सूरत अख्तियार कर चुकी हैं और ये सिर्फ हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और डेवेलप कंट्रीज़ ही का इशू नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया का एक इशू है पूरी दुनिया जो डेवलप कंट्रीज़ हैं यूरोप अमेरिका वो भी दिल की बीमारियों की इस बढ़ती हुई तादाद से परेशान हैं और अगरचे उनके पास बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास यानी कि कहना चाहिए कि रेवेन्यू है दौलत है जो वो अपने मरीजों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद वो परेशान हैं क्योंकि ये जो बढ़ती हुई तादाद है वो उसको केटर नहीं कर सकते और एक दिल दिल का इलाज क्योंकि एक महंगा इलाज तस्वुर किया जाता है इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हर आ, बंदे को वो इलाज जो है बर वक्त मुहैया किया जा सके ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब दिल की का अटैक होता है तो इंसान के पास बहुत कम वक्त होता है कि वो उस वक्त में अगर उसको इलाज मैसर किया जाए तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है ना उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और पूरी ज़िंदगी उसकी जो है वो मुतासर हो जाती है तो इसलिए पूरी दुनिया इस बात पर मुतफ़ है कि परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो दिल की बीमारियों की बुनियादी वजूहत हैं वो पाँच वजूहत हैं पाँच रिस्क फैक्टर हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे, सारे के सारे मोडिफाइबल हैं यानी कि वो क्या रिस है रिस्क फैक्टर्स हैं शुगर की बीमारी है आपकी जिसम में अगर शुगर की मकदार बढ़ जाए तो वो बीमारी की सूरत अख्तियार कर जाती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इसी तरह से ब्लड प्रेशर है ब्लड प्रेशर अगर काबू से बाहर हो जाए तो वो दिल की बीमारी का सबब बनता है और उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं मोटापा है, है फिज़िकल इनएविटी अगर आप फिज़िकल इक्टिव हैं तो आप एक्टिव हो जाइए आप वर्जिश को अपना माहौल बनाइए आप चहलकदमी कीजिए तो उससे आप अपने दिल के को सेहतमंद बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं आप अपने मोटापे पर काबू पा सकते हैं आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट नशी को आप तर्क कर दीजिए तो ये सारे के सारे वो रिस्फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उन पर काबू पा सकते हैं इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल की अगर जाती है तो वो भी दिल की बीमारी का सबब बन सकती है आपकी सरियानों में खून जम सकता है प्लैग बन सकते हैं वो प्लैग जब फट जाते हैं तो दिल की शरीने जो हैं ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक का सब बनती हैं तो इस तरह आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सारे के सारे वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उन पर काबू पा सकते हैं वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद यही है कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ ये अवेयरनेस उन तक पहुँचाएँ ये आगाही उन तक पहुँचाएँ कि आप इन वजूहत जो हैं इन पर जो बड़ा आसानी से आप काबू पा सकते हैं आप उनको क़ू कीजिए अगर आप इनको काबू कर लेंगे तो आप अपने लोगों को अपनी ज़िंदगी को और अपने प्यारों को दिल की बीमारी से बचा सकेंगे तो जो इस दफ़ा की थीम है वो यही है कि यूज़ योर हार्ट टू बीट द हार्ट डिसीज़ आप अपने दिल को सेहतमंद रखिए और इस सेहतमंद दिल के ज़रिए से आप दूसरे लोगों की अपने प्यारों की जो है वो ज़िंदगी को उनके दिलों को बचाइए